नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्मार्ट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग कवक यानी कि फफूंद के द्वारा होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे। जिसके लिए हमारी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी गंजा दामाद को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्रूट खिला रहे हैं, ये हमारी ट्रिक है। तो ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गंजा जो है, इस गंजा से हो जाएगा गंजापन रोग, यानी गंजापन जो रोग है वो कवक के द्वारा होता है। गंजापन रोग यानी कि जिसमें बाल झड़ जाते हैं, एक कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दामा, दामा से हो जाएगा दमा रोग, यानी दामा से होगा दमा रोग जो है वो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है द, इस द से हो जाएगा दाद, जो हमारे शरीर पर दाद होती है ये भी कवक या फिर फफूंद के द्वारा होता है। नेक्स्ट है खा, खास हो जाएगा खाज खुजली, यानी खुजली रोग जो है वो दम कवक या फिर फफूंद के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ए फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फूट, एथलीट फूट जो रोग है ये भी कवक के द्वारा ही होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। तो आइए इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कवक फफूंद से होने वाले रोग, जिसके लिए ट्रिक है गंजा दामाद खा एक फ्रूट, गंजा दामाद खा एक फ्रूट, ये ट्रिक है। जिसमें गंजा से हो जाएगा गंजापन रोग, जिसमें कि बाल झड़ जाते हैं। दामा से हो जाएगा दमा, दस हो जाएगा दाद, खास हो जाएगा खाज खुजली यानी कि खुजली, एक फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फ्रूट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आ रहा है बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।